हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। मैं यहाँ पे 6:30 पे यहाँ गया था, तो ये मेरी ट्रेन है न्यू दिल्ली टू काठगोदाम, जो मैंने एक ट्रिप प्लान की थी नैनीताल की। तो बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं नैनीताल जाऊँगा, तो आज मौका मिला है मुझे नैनीताल जाने का। साथ में मेरी वाइफ है और मेरी बेटी है। तो ये है शताब्दी एक्सप्रेस, और इसकी बुकिंग जो मैंने ऑनलाइन कराई थी, तो ऑनलाइन मुझे 2000 रुपीज़ की बड़ी, मतलब एक पर्सन की 1000 रुपीज़ है। इसमें आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है। तो ये है ब्रेकफास्ट, इसमें दो चाय बिस्कुट के पैकेट थे। 11 बजे पहुंच गए थे काठगोदाम, और उसके बाद हमने वहां से टैक्सी की। टैक्सी में तो आप जाओ मत, शेयरिंग में जाओ, क्योंकि टैक्सी बहुत ज़्यादा किराया लेते हैं। शेयरिंग में आपको ये 500 की पड़ेगी, और टैक्सी में आपको 1000-1200 में पड़ जाती है। और ये लोग पागल भी बनाते हैं, मतलब आपको अगर देख लेते सिंगल है, फिर आपको बिठा लेते हैं कैब में, फिर बहुत देर वेट कराते हैं, बोलो कि कोई सवारी नहीं आ रही है, उसके बाद आपको फिर मानना ही पड़ता है कि यहाँ चलिए। तो ये मत करिएगा, आप शेयरिंग में जाइएगा, या तो प्रॉपर टैक्सी जो है वो प्रीपेड से ही कराइएगा। तो बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो हम सीधा पहुँच गए होटल। ये था मेरा होटल लेक व्यू, जो मतलब थोड़ा हाइट पे है। हाय गाइस, मैं हूँ नवनीत, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नवनीत सिंह। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं हूँ नई लोकेशन में, आप लोग, मैंने जैकेट पहनी हुई है। तो यहाँ बहुत ठंड है। तो ये है जगह नैनीताल। तो कल मैं दिल्ली से चला था, और दिल्ली से फिर काठगोदाम, काठगोदाम से फिर नैनीताल। तो कल मैं 3 बजे नैनीताल पहुँचाऊँ, और यहाँ मौसम जो है बहुत ही मस्त हो रहा है। यहाँ ठंड हो रही है, ठंडा पानी है, और यहाँ पर टेम्परेचर 14 डिग्री है। दिल्ली से वही 14, मतलब दिल्ली का, दिल्ली में 30 है, तो यहाँ 14 है। बहुत ठंड है, और मौसम भी बहुत अच्छा है, और लोकेशन भी बहुत सही है। मैं जिस जगह रह रहा हूँ वो व्यू पॉइंट है, होटल व्यू पॉइंट। तो वहाँ से पूरी जो नैनी लेक है वो दिखाई देती है, और सामने बिल्कुल ही पहाड़ी पहाड़। तो अभी ये शुरुआत है, आगे देखते। तो ये बैठी है मेरी बेटी और मेरी बीवी, ये तैयार हो रहे हैं, आज ब्रेकफास्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में हम। और ये है हम जहाँ रह रहे हैं, ये बेड है साथ में, ये बेड के साथ में ये दिख लो, ये है पहाड़ ही पहाड़। मैंने क्या ना कि स्लीपर्स रखी थी यहाँ पे। कहाँ पे रखी है? और मतलब ये बहुत ही हाई पॉइंट पे है, साथ में यहाँ भी व्यू है, लाइक ए होम स्टे। चलो का ये फायदा होता है। इधर नीचे हम चलो 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 तो ये है मेरे होटल का ब्रेकफास्ट एरिया, ये पीछे ब्रेकफास्ट एरिया है, और ये है होटल का व्यू, ये सामने नैनी लेक, नैनी लेक। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैंने माइक लगाया नहीं है, और इसका नाम है होटल व्यू पॉइंट। होम स्टे ही है, होटल ही है, होम स्टे है, बाकी एरिया ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा। और आप देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू। तो अब हम आ चुके हैं नैनी लेक, बहुत ही नीचे, और ये हम है
और ये क्या ना है, क्या ना, क्या ना, इधर देखो क्या ना, बहुत गुस्से में, बहुत परेशान है क्योंकि हम जब निकले थे तो हम 2 बजे से जगे हुए हैं और फिर उसके बाद हम मतलब इसकी 4 बजे तक हम जगे रहे, इसकी तबीयत खराब थी, इसे उल्टी हो रही थी, तो फिर उसके बाद हमने इसे दवाई वाई दी है, फिर हम निकले हैं जाके और ये तब से ही परेशान है। प्लान कैंसिल भी करने वाले थे हम, पर अब मज़ा आ रहा है क्योंकि अब मेन जगह हम पहुँच चुके हैं। ये मेरे पीछे है नैनी लेक, आप देख सकते हैं। बाकी अब धीरे धीरे चलते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको यहाँ का मौसम। बहुत जैकेट पहने में मुझे गर्मी लग रही, ज़्यादा गर्मी नहीं है और ज़्यादा ठंड भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है। और बाकी अभी अभी आप घूमते रहेंगे और दिखाते रहेंगे आपको नैनीताल की नई नई जगह। नैनी लेक में और हम कर रहे हैं बोटिंग। और क्या ना हो रही है परेशान एज ऑलवेज, ये मेरी तरफ पानी से डरती है, उसको डर लग रहा है। दुम दुम दुम। अच्छा वो बताना कौन सा। हमने नैनी लेक में पहुंच के फिर हमने वोटिंग की और वहाँ पे वोटिंग के थे 320 रुपीज, मतलब हाफ राउंड था और फिर 450 फुल राउंड था वहाँ पे वोटिंग का। और नज़ारा ही बहुत अच्छा था, क्या ना डर रही थी, उसे पानी से डर लगता है ना, तो जैसे मुझे डर लगता है वैसे उसे पानी से डर लगता है। उसके बाद हम गए ज़ू, और ज़ू तो क्या था, वो ट्रैकिंग ही थी क्योंकि हमने वहाँ पे बस मतलब उसकी एंट्री तो 200 रुपीज़ थी और सिर्फ हमने वहाँ पे टाइगर देखा, बाकी हम ऊपर गए नहीं ऊपर क्योंकि चढ़ाई चढ़ाई थी और मेरा तो मन नहीं था ऊपर चढ़ने का। फिर वापस आए नीचे लेक, तो लेक का था ये शाम का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद हम फिर चल पड़े होटल। तो होटल पहुंचते ही क्या ना को दिख गई कैट और उसने फिर बिस्कुट लिए और कैट को खिलाने लग गई, फिर हम उसी में हमारा टाइम निकल गया। तो ये था पहला दिन नैनीताल का, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। One by one. Cat, eat one by one. Bhi khao ye khao. Haan, wo bhi khao.